الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة {ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} آمَنْتُ بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم شمي رسالة کے پروانو میرے پیارے آقا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کے پیارے دیوانو अल्लाह तबार व तआला का बेपनाह शुक्र है कि उस पाक परवरदिगार ने हमें अपने पसंदीदा दीन मुकम्मल इंतहाई पाकिज़ा और इंतहाई शाइस्ता शुस्ता अखलाक़ हमीदा का मजमु़ दीन इस्लाम हमें अता फ़रमाया मजहब इस्लाम से हमें वाबस्ता फरमाया और इस्लाम के मानने वालों में मौला तक हमको शामिल फ़रमाया और उस घराने में हमारी तख्लीक़ फरमाई जो घराम घराना मुसलमान घराना न सिर्फ़ कहलवाने वाला बल्कि अमली तौर पर मुसलमान घराने में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है अल्लाह तबार को ताला का शुक्र बजा लाना हर मुसलमान पर इस्लाम की नेमत के मिलने पर हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है जबकि इस बात का एहसास और इस बात की फ़िक्र बहुत कम लोगों को होती है दूसरी नेमतों पर जो छोटी छोटी नेमतें होती हैं इंसान शुक्र अदा करता है अल्लाह का अल्लाह का बड़ा शुक्र है तबीयत अच्छी है अल्लाह का शुक्र है बुखार था बुखार कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कारोबारी एतबार से कुछ मनफ़त हो गई कोई फ़ायदे का फ़ायदे की डीलिंग हो गई फ़ायदे का सौदा हो गया कोई दिन कारोबारी एतबार से अच्छा गुजरा अल्लाह का बड़ा शुक्र है आज तो अच्छा जी कोई स्टूडेंट है एज़ अ इस्टूडेंट अच्छे किसी टेस्ट टेस्ट टेस्ट्स में एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर किया मार्क्स अच्छे अगर उसको आ गए हैं अच्छे मार्क्स ले लिया शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला का होनी चाहिए ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की इन पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना ही चाहिए और तालीम भी है हमें अल्लाह तबारक को तला का शुक्र बजा लाने की ये सब जिक्र है अल्लाह तबार व ताल के जो बंद मोमिन हम वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में रहता है इस बहाने से अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हर चीज़ पर है वो जो बंदा नेमत तस्वुर भी करना उस चीज़ को अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के लिए आप खाने से फ़ारग होते हैं भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलते हैं खाने से फरागत के बाद यानी अल्लाह ताली का शिक्र बजा लाना है वर तो अल्लाह ताली की तारीफ जो बयान होती है अल्हम्दुलिल्लाह लामी तौर पर शुक्र का मौका और शुरु शुक्र का महल होता है वो यानी शुक्र बजा लाना उस मौके पर वो कंडीशन में उस सिचुएशन में अल्लाह का शुक्र बजा लाना है तो अहम के लफ्ज़ के साथ में अल्लाह ताली का आप शुक्र बजा लाते हैं यानी तारीफ़ है अल्लाह ताली के लिए अल्लाह का शिक्र है अल्लाह ताली के लिए तारीफ है बलकर खाने से फरागत के बाद खाना आपने खा लिया खाने से फरागत के बाद में दुआ करते हैं अलहद ला लजीआा तो आमना व सकौना व जालना ये शुक्र है अल्लाह का शुक्र जो बोलते हैं मुख्तर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोल देते हैं लोग याद जिसको दुआ याद नहीं है लेकिन शुक्र का अहतमाम कर रहा है वह गनीमत है जिनको दुआएँ याद है तो अल्हम पूरी दुआ पढ़ता है यानी शुक्र वजा ला रहा है अल्लाह का ये इसी तरह से अब इवन आप बैतुलखला जाते हैं बैतुलखला में जाकर बैतुलखला से बाहर निकलते हैं बैतुलखला जाने से पहले की जो दुआ है वो दुआ लेकिन बैतुलखला से बाहर निकलने के बाद की जो दुआ वो भी अल्लाह तला का शुक्र बजा लाता है वहाँ पर अल्हदल अजहब अन उसको मिला कर अजहब अनिल़ानी जी अल्लाह का ये नहीं शिक्रहिला मुख्तरा यानी तारीफ़ है अल्लाह तबार को तला अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझसे तकलीफ़ को दूर कर दिया अदब अन्नी अदा मुझसे तकलीफ़ को दूर कर दिया व आफ़ानी और मुझको अता फ़रमाई और मुझको आफियत अता फ़रमाई ये क्योंकि हम कभी इस पर अल्लाह ये अल्लाह की नेमत है इस पर हमें कभी गौर करने का मौक़ा मिला नहीं इसलिए कि कभी ये तकलीफ़ की स... शक्ल इख्तियार नहीं की ये चीज़ एक रूटीन में आप खाते हैं हाजमे का निज़ाम चल रहा है और फारि भी हो जाते हैं आसानी से फ़ारि होकर बाहर निकल जाते हैं जी तकलीफ़ नहीं मालूम है इत्तेफाक से आजकल एक कुछ ही दिनों में आजकल के दिनों में ही एक स्टेटमेंट सुन सुनने का इत्तेफाक हुआ एक बड़ी शख्सियत बड़ी नामवर शख्सियत और बड़े ओहदे पर बड़े मनसब पर जी फाइज है उन शख्सियत के हवाले से ये बात बताई उसमें कि वो खाने वगैरह का अहतमाम जो करते हैं खाने वगैरह का अहतमाम खा लेने कर लेने के बाद में उनका प्रॉब्लम ये कि इजाबत ख़ारिज नहीं होती उनसे तकलीफ़ कैसी वो इजाबत ख़ुद से आती नहीं है उसके लिए दवाखाना जाना पड़ता है दवा खाना जाना पड़ता है तो डॉक्टर वो प्रोसेस के ज़रिए से उसको उनकी इजाबत को टू नंबर को पाखाने को डॉक्टर एक प्रोसेस के ज़रिए से उसको निकालता है जी निकालता है तो गोया इजाबत से फारिग हुई जैसे हम टॉयलेट चले जाते हैं बैतुलखला चले जाते हैं तो फारिग होकर निकल गए अल्हदल आफ़ा अजहबा तो अज़ा व आफानी ये है तो ये और इतना तकलीफ़ दे दरहला है वो डॉक्टर का वो प्रोसेस के उनकी इजाबत उनके पेट में से निकालना वो तकलीफ़ दे तो रोज़ाना का ये शेड्यूल और ये मामूल उनका खाना खा लेना है अब इजाबत के लिए कहाँ जाना है टॉयलेट को नहीं खला को नहीं जी डॉक्टर के पास जाना है हॉस्पिटल जाना है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर वो प्रोसेस के ज़रिए से उनकी इजाबत उनके पाखाने को निकालता है वो इंतहाई तकलीफ दे मरहले से निकालने के बाद में वो निकलती है तो फिर रिलैक्स होता है ये चीज़ वो मामला हो यानी सिर्फ पेशाब के निकलने का ये नेमत है अल्लाह ताला की ये नमतों पर शिक्रा जिक्र भी अल्लाह ताला का है इस बहानी अल्लाह का जिक्र भी है अल्लाह का शिक्र अल्लाह का शुक्र भी शुक्र के अंदर ये जिक्र भी शामिल हो जाता ये अल्लाह अकबर वो नामवर उनका ओहदा को उनके क्या काम आने वाला बे इख्तियार इंसान की बे अख्तियारी इंसान की इज्तरारी कैफियत इंसान की मोहताजी जी और आजीजी उसके अंदर कितना बेबस और कितना आजीज़ है इंसान उतना बड़े ओहदे उह्द, और उतने बड़े उतने बड़े ओहदे और मनसब पर रहने के बाद इतना बड़ा गवर्नमेंट का डिजिग्नेशन अपने पास रखने के बावजूद भी इंसान आजीज़ है वहाँ पर अब वो उसके साथ वो चीज़ लगी हुई है अल्लाह अकबर तो वो बताते हैं बयान करते हुए कि मैं जब भी खाने पर बैठता हूँ तो वो अल्लाह ताला की नेमत कि मैं खा भी रहा हूँ इतने आसानी से मुझे हाजिमा भी हो रहा है और मैं जो कुछ खा रहा हूँ उससे फारग भी हो जा रहा हूँ यानी फरागत भी हो जा रही है बैतुलखला जाकर इतनी आसानी से मैं जब भी खाता हूँ तो वो उनका उनकी वो उनका स्टेटमेंट उनका बयान मेरे सामने आता है मैं ताला का शुक्र बजा लाता हूँ बल्कि शुक्र बजालाना है अल्लाह ताला ये सब नेमतों पर और बहुत सारी हम चीज़ों पर इस पर जी थोड़ी सी बीमारी से अच्छे हो गए अल्लाह का शुक्र ये हो गया अल्लाह का शुक्र वो हो गया अल्लाह का शुक्र ये कुछ हादसे से बच गए अल्लाह का शुक्र है बच गए भाई फलां वो हुआ हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम अल्लाह ताला हमें महफूज रखा ये सब शुक्र लेकिन कभी हम गौर कर कर देखें कि अल्लाह ताला की बारगाह में हम बिल्कुल दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह ताला की बारगाह से अल्लाह की तरफ से अल्लाह की ये नेमत इस्लाम की नेमत के मिलने पर हमें कभी शुक्र की तोफ़ी हासिल हुई कि है परवरदिगार तूने हमें मुसलमान बनाया है जी इस्लाम की ऐसी अजीम तरीन दौलत तूने हमें अता फरमाई है सद शुक्र है परवरदिगार तेरी बारगाह में हम बेपनाह तेरा शुक्र बजा लाते हैं नमत इस्लाम पर शुक्र बजा लाना ये नेमतों में से अजीम तरीन नेमत ये है जिस नेमत के ज़रिए से हमें हमें अबदी आखिरत की अबदी नेमतें हमें मिलने वाली है आख़िरत में सुरखरोई इसी नेमत की वजह से मिलने वाली है दौलतमंदों की दौलत काम नहीं आएगी। का ओहदा कियामत के दिन किसी को कियामत के दिन की रसवाई से नहीं बचा सकेगा महज़ दिन इस्लाम ईमान और इस्लाम की नेमत है जिस नेमत की वजह से वो आखिरत के दिन की रसवाई से बच सकेगा ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना है पाक परवरदिगार का बेपना शुक्र है कि उसने हमें इस अज़ीम नेमत से सरफराज फरमाया हम गौर करते नहीं क्योंकि अरबी ज़ुबान हमारी अपनी मादरी ज़ुबान नहीं है लेकिन हम इतनी भी कोशिश नहीं करते कि हम जो कुछ पढ़ते हैं वो पूरा पूरी बुखारी शरीफ तो पढ़ते नहीं जी सियासित पूरा तो पढ़ते नहीं पूरे का पूरा कुरान तो पढ़ते नहीं जितना भी जो कुछ हम पढ़ते हैं छोटी छोटी सूरतें तवज़ तस्मिया अज़कारे नमाज कम अज कम हम अदय मासूरा, जो मसनून दुआएं हैं मुख्तसर सी जो दुआएं हैं कम अज कम उसके माना उसके मीनिंग उसका मफहूम तो हम जान लेते तो फिर आपकी इबादतों में आपकी ज़िंदगियों में फ़र्क आ जाता खुद आप देखिए मेरे जैसा है नेमत इस्लाम की नेमत पर शुक्र बजा लाने की बात है अगर आप माना समझकर दुआओं का अहतमाम करने वाले हैं तो फिर आप बोलते कि भाई इस्लाम की नेमत पर तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र हर हमेशा खाना खाने के बाद में बजा लाता हूँ जी अलहमदिल्लाजी तमाम वसक़ौना मिनल मिनलमसलिमिन अल्लाह ताली का शुक्र बजा लाता हूँ मैं कि उसने मुझे खिलाया मुझे पिलाया और मुझे मुसलमान बनाया इस्लाम पर आप शुक्र बजा आ रहे हैं तो ये चीज़ है आपके अपने रूटीन में लेकिन ये मज़ा तो उस वक्त है कि जब आप इसको मा, माना को इसके मफ़ूम को इसके मतलब को आप समझे समझकर आप डिलीवर करें समझकर आप पढ़ेंगे तो फिर वो कैफियतें भी आएंगी जी वो कैफियतें भी आएंगी नेमतों को नेमत भी जाने आप बि का एक रूटीन में पढ़ लिए नहीं इतना कि आसानी से आप जी अपने हाथ का इस्तेमाल कर कर जी आप कितने वहाँ पर अल्लाह हाथ में अल्लाह ताला की जो नेमतें आपको अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई है कितने ऐसे लोग हैं जिनका हाथ ही नहीं हाथ है तो हाथ फालिश जदा है हाथ हिल नहीं सकते उनके कितने ऐसे कुछ हैं कि जिनको पूरे पाँच उंगलियाँ नहीं हैं अंगूठा नहीं है चार उंगलियाँ वो चार उंगलियों से क्या मट्टी मिलाएगा खाना वो क्या मिला सकेंगे खाना ये सारी नेमतें आप एक एक निवाला लेते वक्त में वो जो नेमतें जो प्रोसेस रिस्क का आपके सामने आकर वो कुछ है फिर उसके बाद से आप जो कुछ अपने एक्शंस के जरिए से जो आप आपके हरकतों और अमल के जरिए से जो कुछ कर रहे हैं। उसमें अल्लाह ताला की नेमतें उसमें भी आप मुस्तहज़र करें अपने जहन में हाजिर करें जी ये चीज फिर खाने का मूँह में लेने के बाद चबाना कितने लोग दांतों से महरूम है जी आर्टिफिशियल दात लगाए हुए कोई किसी को गोच नहीं खा सकता कोई थोड़ी सी सख्त चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई तो लिक्विड इस्तेमाल करना पड़ता ये सब सारी नेमत है अल्लाह ये नमत है अल्लाह तहमदिल्लाजी तमना जब बोलें तो वो सारी उन अल्लाह ताला की उन नेमतों को गहराई के साथ आप अपने जहन में हाजिर रख कर आप जब ये पढ़ेंगे तो पढ़ने में मजा भी आएगा और आपका शुक्र बजा लाना भी वाक़ता अल्लाह ताला की बारगाह में आपको शाकिरीन में शामिल फरमाएगा शुक्र करने वाले बंदों में आपका नाम शामिल होगा महज रस्म के तौर पर रस्म व रिवाज के तौर पर एक रूटीन के तौर पर जी तोता रटाए तोता भी कुरान पढ़ पढ़ाओ को याद कराओ तो रट लेता है वो भी जी पढ़ने लगता है हाफिज़ कुरान तोते भी मिलते हैं सुरह यासिन तो याद करवाओ तोता मार्केट में अवेलेबल होते हैं बाहर मिलते हैं ऐसे बहुत से रूटीन में रहता है वो सुरह उसकी कीमत इतनी सुर रहमान को याद कराए तो इतनी जी तो इसी तरह वो जितनी क्वांटिटी उसका कुरान का जितना ज़्यादा हिस्सा याद किया हुआ है तो उतनी ज़्यादा उसकी कीमत पड़ता है वो ये बहर कह वो तो खैर परिंदे हैं वो तो सब है अल्लाह ताला का शुक्र बहुत उनका तो मामला बेड़ा पारिज है उनका उनका तो बेड़ा पार ही है हम है मसला हमारा कि फिर कल क़ियामत के दिन का मामला बरज़ की ज़िंदगी का मामला वहाँ के हिसाब व किताब वहाँ की बरज़ी जी आजमाइशें वहाँ के बऱख़ी ज़िंदगी के मसाइल का सामना हमको करना है ये परिंदों का क्या है जानवरों का क्या है इसीलिए तो हज़रत अबू सैद नबोबकर रज़ी अल्लान हज़रत सैद ना फारूक़ आज़म रजी अल्लान इनके मतलब आता है कि वह बकरी को देखते हैं तो हसरत से बोलते अ काश नहीं हम हसरत कहाँ पर हम आए काश वहाँ पर बोलते हैं कि दुनियावी एतबार से कोई बहुत दौलतमंद है दुनिया तो दुनियावी एबार से बहुत बेहतरीन गाड़ी में जी वो सवार होकर जा रहा है बेहतरीन उसके पास बहुत हाई फाई उस स्टाइल उसकी लाइफ स्टाइल उसका बहुत हाई फाई है वहाँ पर आए काश हमारा आए काश रहता हो काश मेरे पास भी वैसा फ़ोन होता मेरे पास भी वैसी गाड़ी होती अः काश मेरे पास भी वैसा बंगला होता आय काश मेरा भी अपना लाइफ स्टाइल ऐसा ये आकाश हमारे आकाश है अल्लाह अकबर जिनकी नज़र आख़िरत की अबदी ज़िंदगी पर जी बरसी ज़िंदगी पर कब्र की ज़िंदगी पर मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर और हकीकी और हमेशा की हमेशा की अबदी ज़िंदगी पर जिनकी नज़र होती उनका आकाश है फरमाते हैं कि आकाश बकरी का बच्चा देख आकाश बकरी मैं मैं ना होता ये बकरी का बच्चा होता मैं इंसान मैं ना होता बकरी का बच्चा होता लोग इसको अच्छा खिलाते पिलाते और फरबा करते तरोताज़ा करते जी यानी फरबा गो मोटा ताज़ा करते मोटा ताज़ा करते और जबह कर कर खा जाते और कल किसी किस्म का हिसाब किताब का सामना ना करना पड़ता अल्लाह वो आकाश ये मामला कभी तो तिन का आकाश में तिन का होता एक तिन का जर्रा और एक तिन का होता कि मुझसे किसी कस्म का हिसाब व किताब ना लिया जाता ये नज़र कि ये ये कैफियत ये ईमानी नज़र ये कैफियत अगर पैदा हो जाए तो फिर इंसान ये किस कस्म के दुनिया के झमेलों में ये और ये दुनिया के ये तुरफे तमाशों में गिरफ़्तार कैसे हो सकता आज दुनिया भर की कोशिशें इस्लाही इस्लामी तंज़ीमें मसलिन मुबल्गिन वाइजें खुतबा जी ये सारी मेहनतें भाई ये 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 न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है ये किस एबार से किस बुनियाद पर कौन सी किस कैसी इजाज़त तुमको इस चीज़ की मिल सकती तुम्हारा ज़मीर कैसे इजाज़त देता है तुमको शरीयत तो शरीयत आप छोड़िए शरीयत का मामला बहुत ऊंचा तो अभी तो बाग ने ज़मीर की बात करो तुम्हारा ज़मीर कैसे इजाजत देता है इस बात को तुम्हारी अकल तुम्हारी दानाई कहाँ चली गई तुम्हारी अकलमंदी कहाँ चली गई कि तुम्हारी वो गाइड नहीं करती तुमको ये सब ये सारी कोशिशें चल रही है। लेकिन दुनिया का मामला कैसे कि बस वो अनभभक्ति जो कहते हैं आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा भाई अनभक्त का लफ्ज़ बहुत ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत होने लगा ये अनभक्ति ये अनभक्त है अनभक्त है यानी अंधे भक्त भक्त बोले तो ग़ुलाम जी भक्त बोले तो भाई गुलाम अंधा ग़ुलाम यानी बस कुछ भी नहीं अनभक्ति आँख बन कर कर तकलीफ करना नक्शे कदम पर चलना अंधे बनकर बस पीछे पीछे चले जाना कौन से गारत के गड्ढे में जाने वाला है सामने वो देखना नहीं है वो गौर करना नहीं है किस गारत के गड़े में जा रहा है कोई कामयाबी की मंजिल पर जा रहा है या किस किसी गारत के गड़े में जाके गिरने वाला है कुछ देखे बग़ैर अनभक्ति इतनी कि बस तकलीद करो उनके नक्शे कदम पर चलो उनकी पैरवी करो और उन जैसे मामलात उन जैसी तहजीब तमद्दुन जो तहजीब नहीं बदतजीबी बोलेंगे उसको लेकिन बोलना पड़ता है तहजीब का लफ्ज़ तमद्दन जी मगरबी तहजीब मगरबी तहजीब नहीं है मगरबी बद तहज़ीबी है वो जिसको मगरबी तहजीब कहा जाता है जी उसको बद तहजीबी उसका दूसरे माना में बद तहजीबी है अब जो कुछ खूबियाँ जो कुछ नज़र आती हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं चीज़ें हैं जो खूबियों के तौर पर नज़र आती हैं तो बोलते हैं कि इस्लाम जैसे यूरोप में बहुत सारे यूरोपियंस जी इस्लामी अला अख, अखलाक व अकदार को वो लोग अपना लिए जी हमदर्दी और अखलाक का बेहतरीन नमूना और लोगों के कोई तकलीफ में मुबतला लोगों की तकलीफ़ का देखा नहीं जाना ये इस्लामी खा खासियत तो खवास में से इस्लामी ख़साइश में से खूसियात में से ये चीज़ है ये चीज़ें उनकी जिंदगियों में अगर आए जी बेसा है अब देखते हैं कि भाई यहाँ पर चले चला किसी को अगर दबा के धक्का भी लग गया तो उन्हें देखता भी नहीं चले अरे देख के पलट के देखते रहे इतना धक्का मार के चलेगा इंसान है या गधा है बोलकर अब ये चीज है इस्लामी जर्र बराबर भी आपसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए इस्लाम की खसूसियत खुद नबी पाक सल्ला वसलम ने जो तारीफ बयान फरमाई अलमुसलिमूसलीम एलमुसलिमो न मीन यदि ही वलिस नहीं मुसलमान वही है मुसलमान जिसके हाथ और जिसके ज़ुबान हाथ जिस हाथ से बदन से किसी भी यहां तक के ज़ुबान से भी किसी मुसलमान को तकलीफ़ न पहुँचे दूसरे मुसलमान का लफ्ज़ भी है बकिया बाज अहादीस में मुतलक है कि गैर को उससे न उसकी न जुबान से तकलीफ़ पहुँचे ना उसकी जुबान न उसके हाथ से तकलीफ़ पहुंचे अल-मुस्लिम यानी मुसलमान की तारीफ ही वो बयान की गई है एहसास ही नहीं है ऐसा यही चीज़ वहाँ पर यूरोप में जरा बराबर किसी को जरा जरा तकलीफ पहुँच गई या हाथ लग गया तो फौरी रुके सॉरी यानी कहाँ है, माफ़ी चाहता हूँ ठीक है ये अखलाक इस्लामी अखलाक तो ये इस्लामी खूबियाँ वो जो हैं वो भी हैं अपनी जगह वाक जो कहते हैं कि भाई यहाँ पर वहाँ पर यानी इस्लामी ममालिक में इल्ला माशा पूरे नहीं रहते इस्लामी ममालिक में सिर्फ़ नाम इस्लाम रह गया लेकिन जिंदगी में इस्लाम नहीं है और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर नाम इस्लाम का नाम नहीं है जाहरी तौर पर लेकिन अमल में प्रैक्टिकल लाइफ में इस्लाम है ये लोगों का तजरबा और तज़िया है जो लोग बयान करते हैं जो लोग बयान करते हैं ये चीज़ें हैं लेकिन वाक़ता अगर आप इस्लाम को देखें इतनी फिक्र अंगेजी और फिक्र इख्तियार करने की ताकीदात इस्लाम में आपको जा बजा मिलती हैं करीम की सूरतुलहचर की आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया अल्लाह तबार को ताला ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो वल तम गुर नफ्समत लिगद तुम में से हर नफ्स को तुम में से हर किसी को चाहिए कि वो अच्छे से देख ले के उसने आने वाले कल के लिए क्या भेजा है आने वाले कल के लिए क्या भेजा है क्या तैयारी की है क्या भेजा है आने वाले कल के लिए अल्लाह से बिमा तमलून बेशक अल्लाह तबार व ताला खबर रखने वाला है वो तमाम चीजों की जो कुछ तुम किया करते हो तुम्हारे तमाम करतूतों की खबर रखने वाला तुम्हारे तमाम कारनामों की खबर रखने वाला अल्लाह ताला, अल्लाह ख़बीरु बिमा तअमलून अल्लाह हु अकबर ये अल्लाह तबार को ताला का जो हुक्म है क्या है? वल तंदुर नफ्सुम कद्दमत लिगद हर नफ्स हर नफ्स को चाहिए कि वो अच्छे से देख ले कि उसने आने वाले कल के लिए क्या भेजा है। यहां पर एक अजीब मामला अल्लाह तबार को ताला ने जो एहतमाम फरमाया है इस हुक्म को देने का यानी यह हुक्म क्या हुक्म वल तंजुर नफसुम कदमत लिखत हर नफ्स देख ले कि उसने आने वाले कल के लिए क्या भेजा है ये हुक्म अल्लाह तबार को ताला ने दो इत्तकुल्लाह के दरमियान में जमा फरमाया है फरमा, फरमा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो फिर हुक्म हर नफ्स को चाहिए कि वो देख ले के उसने आने वाले कल के लिए क्या भेजा है फिर फौरी फरमाया वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो दो इत्तकुल्लाह के दरमियान में अल्लाह तला ने यह हुक्म फरमाया है एक मुसलमान के लिए और आयत करीमा मुखातबत खिताब अल्लाह तबार को ताला की एड्रेसिंग जो खिताब है ईमान वालों का या यू अल्लादीन आमन अ ईमान वालों ये जिम्मेदारियां हमारी कैसे किस हद तक बढ़ जाती हैं क्या हम जो मन मानी और जैसे मन में आया जिंदगी गुजारने के हम ऐसी छूट नहीं है ऐसी छूट नहीं है कि हम उसको महसूस करें कि वो लगामें हमें लगी भी है वो हमारी आफियत के लिए हमारी खैर और हमारी भलाई के लिए वो तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं है तुम्हें हलाकत खेजियों से बचाने के लिए कि हर तरफ अगर तुम्हें यूं छोड़ दिया जाए तो बर्ब हलाकत और बर्बादी के ऐसे गढ़े हर तरफ तुम्हारे अतराफ में फैले हुए हैं कि तुम उन गढ़ों में गिरकर अपनी हलाकत और बर्बादी का सामान कर लोगे लिहाजा तुम्हें बचाने के लिए है इसका एहसास करना ये क्या बंदिश है भाई ये क्या पकड़ है भाई यह एहसास अगर यूं जहन में आता है तो तुम्हारे जहन इस्लामी नूर से आरी और खाली है और दुनियावी जिंदगी की हकीकत से तुम ना वाकिफ हो आखिरत की जिंदगी की हकीकत से तुम नावाफ़ हो दुनियावी जिंदगी की हकीकत वो आर्जी जिंदगी जो ऐसी जो जो आम तौर पर कम से कम इल्म वाला भी वो लफ्ज बोलता है कि सामान सौ बरस का है पल की खबर नहीं वो पल की जो खबर नहीं है वो दुनिया की जिंदगी है वो सामान सौ बरस का है पल की खबर नहीं पल की खबर नहीं सामान सौ बरस का है दुनिया तो रह जाएगी दुनिया यूं रह जाएगी आलीशान मकानात बनाने वाले मकानात बना तो लेते हैं लेकिन उनको मकानात में दाखिल होना नसीब नहीं होता वो उनके अपने है। वो दो गज़ के गढ़ा जो उनका क़ियामत तक कामत तक क़ियामत कायम होने तक क़्याम क़ियामत तक उनका वो मकान बनने वाला है जी इस मकान में दाखिल होने से रहे उस मकान में चले जाते ऐसे कितने वाकयात होते हैं जो दुनियावी ज़िंदगी की हकीक़त को समझाने के लिए काफ़ी होते हैं लेकिन इबरत हासिल करने की वो जो नज़र चाहिए वो नज़र कितनों को कितनों को नसीब होती है आज ऐसे मौके पर कि जहाँ एक मुस्लिम माशरा आए दिन जितनी कोशिशें इस्लाही तदबीरें की जा रही हैं लेकिन बराह रवी की राह इख्तियार करते नौजवानों की कसरत भी होती जा रही है इस्लामी माशर जो मुसलमान मुसलमानों का और मुस्लिम महलों का जो हाल माहौल है बड़ों की गिरफ्त बिल्कुल तौर पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है कोई एहतसाब नहीं कोई पूछने वाला जो बोलते हैं ना कोई एहतसाबी ताकत कि ये क्यों किधर क्या ये एहतसाब ये कोई ये चीज़ आज मुस्लिम माशरे से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है जिसकी बुनियाद पर नौजवानों की बेबाकियां बढ़ती जा रही ये दरअसल अगर हर फर्द को उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिला दिया जाए हर फर्द को उसकी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिला दिया जाए कि वो खुद ज़िम्मेदार है जिस तरह से कोई एक बड़े होते हैं छोटों पर नज़र रखना यह ज़िम्मेदारी है जैसा बोला जाता है वाकया भी है लेकिन हर फर्द भी वो अपनी ज़ात में बड़ा है उसकी वो अपनी ज़ात में बड़ा है उसको भी निगरानी करना है जैसा एक माशरे में एक बड़े ख़ानदान के हेड है, हेड ऑफ़ द फैमिली होती है उनको देखना उनकी ज़िम्मेदारी उनकी निगरानी करना है बच्चों की निगरानी बेटों की निगरानी बेटियों की निगरानी जी घर में छोटे भाई बहन जी हेड ऑफ़ दैमिली ये निगरानी बीवी की निगरानी जो निगरानी है एक ज़िम्मेदार है इन ज़िम्मेदारियों का एहसास उसके अंदर तो हर फर्द भी इनफ़रादी तौर पर इंडिविजुअली हर फर्द भी ज़िम्मेदार है तो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी में जो निगरानी उसको करना है उसके अपने हाथ पाँव की निगरानी करना है उसके अपने कान आँख की जिम्मेदारी करना है उसकी अपनी ज़ुबान की जिम्मे निगरानी उसको करना है ये उसकी अपनी ज़िम्मेदारियों में तो वो जिस तरह से एक हेड ऑफ द फैमिली फैमिली का जो सरबरा आला या फैमिली का बड़ा आदमी जो है उसकी ज़िम्मेदारी में ये सब उसकी निगरानी में और ज़िम्मेदारी में है और इन तमाम की निगरानी उसकी जिम्मेदारी है तो हर फर्द इनफरादी तौर पर यहमेदारियाँ उसकी उसकी अपनी निगरानी जेर निगरानी आने वाली ये सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हैं आँख है हाथ पांव है ये निगरानी इनकी उसको करना है वरना यही है उसके अपने अगर इनकी इन पर निगरानी अगर सही नहीं हुई तो फिर हाथ निगरानी से बाहर हो गया हाथ के जो कुछ अपने करतूत होंगे जो कुछ हाथ दुनिया में कारनामे अंजाम देगा तो भुगतना तो हाथ से आपको भाई हाथ करा मुझको क्या लेना देना तो नहीं है ना आपका अपना हिस्सा है जी आपका आपके पार्ट सब बडी है आपके जिस्म का हिस्सा है हाथ तो क्या एक हल्के से एक नाखन को भी तकलीफ पहुंचती है तो आपके आपकी तकलीफ है वो यही चीज है इसी तरह जिस्म के दीगर आजाद का मामला है उनकी निगरानी अगर सही तौर पर न हुई क्या निगरानी भाई आँख को आँख फूटने से बचाना है भाई कहीं से पत्थर ना आ जाए हाथ है कि कहीं से कोई ज़खम ना आ जाए कहीं से कोई वार ना हो जाए हाथ की हिफाजत कर लेना है ठीक है ये भी है लेकिन ये ज़ख़म आ भी जाए दवा से इंजेक्शन से ये सारे ज़ख़म मुंदमिल हो सकते हैं लेकिन अगर ये आग ये हाथ आग में झोंक दिए जाने वाले काम करते हैं ये आँख अगर आग में झोंक दिए जाने वाले काम करते हैं तो फिर सिर्फ आँख का अगर वो काम आग में झोंक दिए जाने का कोई अमल और कोई हरकत आँख करती है हाथ करते हैं कदम करते हैं आपकी ज़ुबान करती है तो महज आपकी हाथ आपकी ज़ुबान आपके आँख आपके कान झोंके नहीं जाएंगे, आपको झोंका जाएगा जहन्नम दम में यही तो है इंसान फिर अपने को बचाने की कोशिश करेगा वहाँ पर अपने को बचाने की किया है हाथ ने आपने उसकी निगरानी नहीं की हाथ के कारनामे हैं लेकिन आपको जब एहसास होगा कि अब अब अपने आप को बचाना है कारनामे हाथ के कारनामे हैं लेकिन अपने आप को उससे बड़ी करार देना है तो अपने कुछ हीले हवाले पेश करने की जी डिनाई करने की कोशिश करेगा वहाँ पर भी नहीं बात दरअसल ऐसी थी करते ना हीले हवाले नहीं असल ऐसा था नहीं नहीं मैं मैं कहाँ करा मैंने करा नहीं जब कर रहे करा बोल के जब ज़्यादा जोर आ गया सामने तो असल मसला ये था बोल के कुछ तो भी ये सब दुनिया में जिस तरह से करते ना अहदेदारों के सामने अपने बड़ों के सामने प्रिंसिपल के सामने हेड ऑफ़ है, द डिपार्टमेंट के सामने सेट के सामने जो कुछ ये चीज़ें होती हैं पापा के सामने मम्मी के सामने ये जो कुछ होता है इंसान करते हैं ऐसी चीज़ें बच्चे करते हैं बड़े करते हैं यही आदत और यही मिजाज और यही कैफियत कल क़्यामत के दिन भी एक इस तरह की जब करने की कोशिशें होंगी वो तो बेसुध होंगी वहाँ पर दुनिया में तो अगर बेहतरीन फनकार रहेगा तो मनवा लेता जी अपनी झूठ को मनवा लेता उन्हें अपनी फनकारी के ज़रिए से अपनी लसानी और अपनी चर्ब जुबानी के ज़रिए से मनवा लेता वाक़ता सामने वाला ऐसा यकीन कर लेता अरे भाई बच्चा इन्हें तो गलत नहीं ये आदमी तो गलत नहीं बोल सकता बोल के लेकिन पूरा झूठ रहता हो सामने तो यकीन दिला दिया उन्हें अपनी बकबक से लेकिन वहां पर तो ये चीज होने वाली नहीं अल्ला है अल्लाह अकबर क्या मामला जब यह होगी कैफियत तो अल्लाह पाक फरमाता हैं सुर यासिन में अल्यव नखती अला हिम जब ये बकबक बक ये जब चलेगा ना अल्यव अला अफवाहिहिम आज का दिन है कि हम अपनी हम उनकी जुबानों पर हम उनकी मुंहों पर मोहर कर देंगे यानी लॉक अब अपने से कुछ नहीं बोल सकेंगे नख्तिम आला अफवाह उनके मुंह पर हम मोहर कर देंगे अब क्या होगा वह तो कल्ली मुना आई दी हिम उनके हाथ हमसे बात करेंगे अब हाथ बोलने लगेंगे हाथ बोलने लगेंगे अब अल्लाह अकबर व तशहद अर्जुल हम बिमा कानू उनके पाँव बोलने लगेंगे उनके खिलाफ में गवाही देंगे जो कुछ कहाँ कहाँ जाते थे कहाँ कहाँ चले जाते थे जी यहूद व की तहजीब यूद नजारा के नसारा के कल्चर को इख्तियार करने के लिए ऐसी बेहयाइयों के में शरीक होने के लिए थर्टी फर्स्ट नाइट हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन ये गैरों का सेलिब्रेशन है यहूद नसारा की उनके सेलिब्रेशंस हैं उनके उनकी तहजीब उनके कल्चर का हिस्सा है एक ये गवाही देंगे ये। क्या होगा अल्लाह अकबर अल्लाह पाक फरमाता वऊ अल्किताब फ़तरमजरमशफ़ी अल्लाह अकबर कि उस दिन किताब हर किसी का नाम अमाल है किताब रख दी जाएगी किताब रख दी जाएगी अल किताब कुरान पाक में जो बार बार कुरान में सिर्फ़ वो आयात आपने बबूदी किताब फ़तर अलमुजरम फिर तुम मुजरिम को देखेंगे मुशफ़ी अम इमाफी जो कुछ उसमें है, जो कुछ है उसके अंदर उससे वो डरे और घबराए हुए होंगे अल्लाह अकबर होता ना जब बेहतरीन अगर कोई स्टूडेंट है भी फुल कॉन्फिडेंस में लिखा है एग्ज़ामिनेशन के बाद अगर उसके 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 एग्ज़ामिन हो रहे हैं उसके पेपर्स बिल्कुल तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में मुतमिन रहता है उन्हें जी 100 परसेंट नाइन्टी परसेंट तो मार्क्स आना ही आना है मुझको जी सामने रखें तो उन्हें बेफिक्र रहता है इतमान में रहता है लेकिन जिसका ऐसा वैसा मामला रहता है उन्हें तो घबरा हुआ रहता है भाई ये तो जांच का मामला चल रहा है अल्लाह अकबर फिर क्या मामला होगा वो डरे और घबराए हुए होंगे और फिर कह रहे होंगे मैं हदल किताब क्या हुआ इसकी इस किताब का? को लादिरत व न कोई छोटी से छोटी चीज़ छोड़ी है इस किताब ने ना कोई बड़ी चीज़ छोड़ी है हर छोटी से छोटी चीज़ भी लिखी है इसके अंदर हर बड़ी से बड़ी चीज़ भी इसके अंदर लिखी है لا लादिरत वबी रतन मगर उनको इहाते में उसको घेर लिया इसने हर चीज़ मौजूद है उसके अंदर अल्लाह अकबर ऐसे मौक़ों पर खसूसियत के साथ ये जो मौका यूँ तो हम जिस माशरे और जिस तमद्दन में जिस माशरे में हम रहते हैं जिस सोसाइटी के हम हिस्सा है इस सोसाइटी में वो ईसाई सन ईस्वी का जो कैलेंडर है वो मुरवज है मामूल है उसी का हम उसी को फॉलो करते हैं स्कूल्स में वही फॉलो होता है जी ऑफिसस में वही फॉलो होता है दीगर आपके सिस्टम में वही है, लेकिन साथ साथ बहसीियत मुसलमान इल्म उसको होनी चाहिए कि मुसलमानों के पास भी उनका अपना एक इस्लामी कैलेंडर है इस्लामी कैलेंडर कैलेंडर दैट मींस जिसमें साल महीनों की मुकम्मल बाजाबता तकसीम कैसी तकसीम के किसी कोई दिन ना छूटे कोई हफ़्ते ना छूटे कोई दिन ना छूटे उसके अंदर ऐसा कामिल मुकम्मल और फिर यह ऐसा निज़ाम है अल्लाह तबारक व ताली ने शम्स व कमर सूरज और चाँद जो इंसानों के औकात की तायीन के लिए औकात के तायुन के लिए तारीख़ों के तायुन के लिए अल्लाह तबारक व तला ने उसी निज़ाम को राइज फरमाया है करीम में अल्लाह उस उन, उन हकीकतों को भी ज़ाहिर फरमाया है। इसमें से एकद करीमा यस अलू नकान हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो लोग आपसे पहली के चांद के मुतल सवाल करते हैं पहली के चांद के मुतल वो लोग सवाल करते हैं फरमा दीजिए आप कुल ही अमाकित नास पहली का जो चांद है लोगों के लिए नास लोगों के लिए वक्त के लिए वक्त बताने के वक्त बताने के ज़रिया है ये वक्त उससे मालूम होता है अकबर सूरज के निकलना सूरज का डूबना निकलना डूबने तक दिन का बरकरार रहना डूबने के बाद रात का बरकरार रहना सूरज के निकलने तक ये सारे अल्लाह तबार को ताला की कुदरत का हिस्सा है इस दुनिया की पूरी ताकतें और पूरी बादशाहतें पूरी हुकूमतें मिलकर भी दिन और रात का जो वक्त अल्लाह तबार को ताला ने जो निज़ाम बनाया है उसमें किसी एक घंटे का फ़र्क तो क्या एक मिनट क्या एक मिनट के कुछ हिस्से का भी फ़र्क नहीं ला सकते सूरज जब डूबना है उसी वक्त पे जो अल्लाह तबार को ताला का मुक्र करदा जो निज़ाम है उसी वक्त और उसी टाइम और उसी सेकेंड में सूरज डूबेगा डूबेगा जिस लम्हे जिस आन निकलना है सूरज पूरी ताकतें मिलकर भी रोक नहीं सकती अल्लाह तबार को कुदरत का निज़ाम ये साल का आना और साल का जाना अल्लाह तबारक को तला की कुदरत के ताबे है ताबे है ये बहर कैफ वो इस्लामी कैलेंडर हमारा अपना इस्लामी जो कैलेंडर है ठीक है अब हमारे लिए किए ये सिस्टम में बने हुए सैलरीज का देना लेना या दीगर हमारे उमूर यहाँ के जो कल्चर दूसरे दूसरे लोगों के साथ भी हमारे जो इत्तेफाकात हैं तो उनकी बिना पर हमको वो सारी चीज़ों को मलहूज रखते हुए हम उन चीज़ों को उन उन तवारीख़ को उन डेट्स को उन मंथस को फॉलो करते हैं फॉलो करते हैं फॉलो करना पड़ता है लेकिन लाइक इस्लामी कैलेंडर्स है तो हमारे अपनी इबादत हमारे अपने फरज़ और इबादतें वो सारे के सारे आपको इस्लामी तारीखों के इस्लामी महीनों और इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आपको फॉलो करनी पड़ती हैं वो तो करते भी हैं आप करते भी हैं लज के महीने में ही आपको हज करना है जी जनवरी फेबरवरी के हवाले से आप किसी और महीने में मैं हज करूँगा बोले तो मुमकिन नहीं रमज़ान मुबारक के ही रोज़ फ़र्ज़ हैं आपके ऊपर जी फमन शहीद मिन को मुश शाहरा फलीसुम जो तुम में से रमज़ान के महीने को पाले तो उस पर लाजिम है कि वो रमज़ान महीने के तमाम रोज़े रखे वो वो रमज़ान का महीना ही चाहिए उसके लिए इसी तरह दीगर इस्लामी तवारीख जो है इस्लामी महीने और इस्लामी तारीखें सब इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आपकी तो बस को इसकी अहमियत को आप फरामश नहीं कर सकते उसकी अहमियत का एहसास हर मुसलमान के अंदर बाकी रहना बरकरार रहना ज़रूरी भी है और उसका जानना भी हमारे ऊपर लाजिम ज़रूरी है उन महीनों का इल्म, उन महीनों का इल्म हमारे पास होना तवारीख़ तो खाली महज अमूमी तौर पर ज़्यादा जो इबादतों की अदायगी के हवाले से जो तबारीख जो महीने हमारे अपने मामूल में आते हैं हम वही महीना हमें याद रहता है मुहरम में दस महर्रम आता है तो मुहरम याद आ जाता है रहता है रमज़ान है तो रमज़ान तो पूरा ही रमज़ान है माशाल्लाह फिर ईद आने वाली है जी वो याद रह जाता है हज के महीने में दिल हज का महीना याद रह जाता है अब ये महीना कौन सा है बोले तो कौन बता सकेंगे बताइए अब आप अब कितना गौर करना पड़ेगा ये वो कर ले के भाई दस आदमी में से एक आध बोले तो बोलेंगे नहीं दस से ले पच्चीस तक ले चले जाइए पच्चीस में से एक आध आद आदमी बोल सकेगा कि भाई हाँ ये जमादस्तानी है जुमादा जमादालला जुमादा सानिया, जम जमाद सानी बोलते सो जमादसानी ठीक रजब आ तो फिर भी बोलते फिर शब मराज का महीना सत्ताईसवीं शबकर महराज हुई थी रजब के महीने रजब की सत्ताईस फिर रजब उस हिसाब से उस हिसाब से याद शाबान का शब बारात याद रह जाता है जी लेकिन अब जैसा है उला जुमाद जमूला जमादानी जी रबी अवल याद रहे दोबारा रबी अलवल का मसला है रबी रबीुस्सानी ओसपाक के शहदाई याद रख लेते हैं बड़े पीर का महीना है ग्यारहवीं का महीना यूँ ये जमादलूला जमातस्तानी है फिर दीगर और महीने ये लेकिन हमारे बहसीत मुसलमान हमारे लिए ज़रूरी है कि इस्लामी महीनों को भी हम जाने याद रखें इस्लामी महीनों के नाम भी याद होनी चाहिए बहरकैफ़ मामूल इस्लामी इबादत वग़ैरह लेकिन दीगर मामलों जो दुनियावी मामलत हैं हमारे तालीम से लेकर दीगर हमारे माशरती ज़िंदगी माशी जो मसाइल हमारे मुतालिक हैं वो उन उस कैलेंडर से ग्रीगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर जो हुआ हजरत ईसा की पैदाइश से उसका ताल्लुक है और इस्लामी जो कैलेंडर है इस्लामी कैलेंडर जो इस्लामी तारीख़ और इस्लामी कैलेंडर का जो ताल्लुक है जैसा हजरत ईसा की पैदाइश से सन ईसवी ईसाई सन ईसवी बोलते हैं उसको उनकी पैदाइश से वो तारीख़ और वो कैलेंडर है इस्लामी कैलेंडर उसका आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला तम की मक्के शरीफ से मदीना हिजरत से है हिजरी बोलते हैं लिखिए इसलिए सन हिजरी बोलते उसको सन इस्लामी नहीं बोलते सन मोहम्मदी नहीं बोलते उसको वो तो सन ईसवी बोलते ईसाई इस, साल ईसवी सन ईसवी ये सन सन हिजरी बोलते इसको क्योंकि उसका आगाज़ हिजरत से उसको काउंट किया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ छोड़कर मदीन शरीफ जो हिजरत कर कर तशरीफ़ ले गए जब से उसका आगाज़ हुआ तो ये सन हिजरी हो गया तो ये सन हिजरी इस्लामी साल जो है इस्लामी कैलेंडर जो होता सन हिजरी से उसका आगाज़ है तो इसलिए जो लिखते हैं सन जो लिखते हैं सीन नोन है लिखकर हे है लिखते छोटा सा वो सन हिजरी है और ईसवी के लिए सन सीन नोन है ऐसा लिखकर उसको आइन लिखते छोटा सा सन ईसवी बोलकर ये होता है ये हमारे नॉलेज में अपने इल, हमारे इल्म में ये चीज़ें होनी चाहिए बहर कैफ तो रब तबारों को ताला हुक्म फरमाया वल तन नफ्सुम्मा कदमत लिगद हर नफ्स को चाहिए कि वो देख ले अच्छे से अच्छे से देख ले कि उसने आने वाले कल के लिए क्या भेजा है हज़रा ग्रामी ये ये जो कल यूँ तो हमारी अपनी ज़िंदगी का भी जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है वो कल ही हम काउंट करते हैं भाई ये कल करेंगे ये कल के लिए आज इतना ही काफ़ी है कि ये काम कल करेंगे आप ये कल जो है दुनियावी ज़िंदगी का जो कल है जिस कल का कोई भरोसा नहीं है जी वो कल पे छोड़ा है आपने कितनों ने छोड़ा है ऐसे कल पर लेकिन वो कल देख नहीं सके वो कल देख नहीं सके आंख बंद हुई तो आंख बंद ही हो गई ऐसे वाकयात आए दिन होते ही हैं लेकिन ये वो कल वो वाकई वो भी कल है जो दुनिया में इंसान एक दानिशमंद इंसान उसके लिए भी प्रिपरेशन करता है उसकी भी तैयारी करता है कि ये आने वाले दिनों के लिए है एक स्टूडेंट है तो वो भी उसका अपना आने वाला कल जो होता है उसके एग्जामिनेशन होते हैं एग्जामिनेशन का प्रिपेशन वो प्रिपरेशन पहले से वो करता हुआ भाई एग्ज़ामिनेशन आने एग्जामिनेशन की तैयारी है भी, भी चार महीने रहते हैं लेकिन उन्हें उसी से एक प्लान बनाकर उसकी तैयारी में लगा हुआ ये कल है उसका ये भी कल है तो एक ये दानिशमंदी का तकाजा तबीयत में अगर मतानत संजीदगी समझबूझ समझदारी ये सब चीज़ें अगर है तो फिर इंसान क्या इंसान वो इंसान कल के लिए प्रिपेयर होता है कल के लिए प्रिपरेशन करता है तैयारी करता है रब तबार को ताला ने भी वो कल जो कल यकीनी कल है जो कल यानी आखिरत मरने के बाद की ज़िंदगी वो जो कल है वो यकीनी कल है ये कल दुनिया का जो कल है वो ग़ैर यकीनी है वो कल कितने जो कल की उम्मीद लिए रहते लेकिन वो कल देख नहीं पाते लेकिन वो सब के सब वो कल देख ही लेते हैं जो क़ियामत का और आखिरत का कल है मरने के बाद की जो ज़िंदगी है।, है नहीं भाई अब बोलते हैं भाई वहाँ पता चल जाएगा जैसे मेरे दादाजन क़िबला हज़रत शाह महबूब हुसैन फ़ारूक़ी ने पर तरमाया आँख खुल जाएगी अपनी कब्र में सोने के बाद आँख ख्वाब गफलत में गुजारी उम्र लेकिन ख्वाब गफलत में गुजारी उम्र लेकिन बाद मर्ग मर्ग मौत को बोलते ख्वाब गफलत में गुजारी उम्र लेकिन बाद मर्ग आँख खुल जाएगी अपनी कब्र में सोने के बाद कब्र में जैसे आंख बंद हुई तो वो आंख खुल जाती है आंख खुल जाएगी अपनी कब्र में सोने के बाद सोने के बाद ये मामला ये खुल वो जो कल है ये हर किसी को देखना है वो लेकिन रफ्तबार को ताला ने जो फरमाया कि हर हर नफ्स देख ले के उसने आने वाले कल के लिए क्या भेजा है हज़रत ग्रामी तो ये नबी पाक सल्ला वसलम ने भी जो बात बताई है कि इंसान दाना और अक्लमंद इंसान जी दाना अक्लमंद इंसान कौन होता है ये आज अक्लमंदी दानाई होशियारी दानिशमंदी अगर ये बहुत होश्यार है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत होश्यार है जी ये कर लिए वो कर लिए दुनिया के चार तीर चला लिए दुनिया में चार कामा कर लिए अच्छे से तो भाई बहुत तो उसकी होशियारी के चर्चे होने लगते हैं दुनियावी तरक्की कर लिया दुनियावी अतबार से स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन कर लिया बहुत तेज़ी से कुछ तरक्की कर लिया तो बहुत ता, उसकी होशियारी और उसकी दानिशमंदी और उसकी दानाई के तो चर्चे हर तरफ़ होते हैं अरे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत होशियार है भाई बहुत होशियार है चलते रहता हो ये चीज़ें होती हैं दुनिया में लेकिन अक् करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसम ने अगर ये ये सब दुनियावी अतबार से ये सब कर कर अगर उखरवी अतबार से अपनी आखिरत के लिए अगर कुछ न किया तो ये होशियारी नहीं है सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है जिसको दुनिया बहुत होशार बहुत होशार बहुत, बहुत शाना बहुत चालाक जो जिनको दुनिया कह रही है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है मेरी आका करीम सल्ला वसलम ने फरमाया ना इरशाद फरमाया अल्किस यानी कल कईस यानी दाना आदमी को होशियार आदमी जो होता है ना उसको बोलते चालाक है बहुत जी बहुत चालाक है ये चीज है बहुत होशियार है भाई ये जो है फरमाया कि अल्कैस चालाक दाना और होशियार कौन है फरमाया अलकिस वो है जो अपने नफ्स को अल्लाह ताला की नाफरमानियों से रोके रखे अपने नफ्स को मजबूर करे अल्लाह ताला की इतात फरमा बरदारी करने पर मंदाना नफ्स हो वह आमिला लिमा बदल मौत, जो अपने नफ्स को यूं दबाए और उसको अल्लाह के हुक्म के ताबे करे और आमिलीमा बादल मौत, मौत के बाद की जो अबदी जिंदगी है उस जिंदगी के लिए अमल करे उस जिंदगी के लिए काम करे और अमल करे वो दाना है वो होशियार है वो चालाक है अल्लाह अकबर दाना अब ये जो ऐसा ना करे तो दाना के जो अपोजिट आता है वो नादान होता है भाई ये बड़े दाना आदमी अरे ये तो नादान है छोड़ो इसका अपोजिट नादान है ये अमल ये करने वाला दाना है और जो ये ना कर सके तो वो नादान है वो नादान है लेकिन ये नादानिया यहीं पर अगर दानाई में तब्दील हो जाए तो इंसान के लिए कारमद और मुफीद रहता है वरना फिर आँख खुल जाएगी कब्र में सोने के बाद अगर वहाँ पर आँख खुल जाएगी तो फिर वह आँख खुलना काम नहीं आएगा उसकी लाख हसरत करेगा कि काश मुझको फिर मौका मिले वापस दुनिया में जाने का ये होंगे प्रैक्टिकल होंगे ये चीज़ें जी अल्लाह ताला की बारगाह में इसरार करेंगे भी लोग मौला वापस भेज दे दुनिया में वापस दुनिया में भेज दे ताकि हम नेक काम कर काम कर कर तुझको राज़ी करने के काम कर कर जी हमारी आंख अब खुल गई है मौला हमें दुनिया में वापस भेज अब ऐसा नहीं होगा अब हम अच्छे काम कर कर आएंगे अल्लाह अकबर लेकिन ये चीज़ मानी जाने वाली नहीं जो मौका मिलना था मिल गया तो यही है दुनिया के ताल्लुक़ से अल्लाह के हबीब अलैहि वसल्लम ने भी जो वाजह तौर पर हमारे जहन को खोलते हुए इरशाद फरमाया दुनिया मजरातल आखिर दुनिया क्या है? दुनिया, है दुनिया आखिरत की खेती है फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है मजरातन ज़रात बोलते देखिए हम उर्दू में वही ज़रात मजरा खेती को बोलते खेती बाड़ी दुनिया आखिरत की खेती है अब यहाँ पर खेती करेंगे खेती की दुनिया दुनिया की खेती नहीं है खेती यहाँ पर करेंगे तो आखिरत की खेती है दैट मींस दुनिया में खेती बाड़ी करेंगे तो फल फलारी तरकारी जो कुछ रिस्क अनाज जो मिलना है वो आखिरत में मिलने वाला है मजरात आखिरा अल्लाह अकबर दुनिया आखिरत की खेती है हज़रत ग्रामी यही है मजरा उकबा है दुनिया तू चुप बैठा है क्या तुखम जो बोना है सो बोले खाएगा बोने के बाद हजरत किबला की कलाम का ये भी एक वही शहर है दादा जन किबिला के मजराय अखबा यानी अकबा आखिरत को कहते हैं मजराय अकबा है, है दुनिया, दुनिया आखिरत की खेती है तू चुप बैठा है क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा है तू चुप बैठा है क्या, क्या? तुख्मीज को कहते हैं तुख्म जो बोना है बोले बोना ना जी किसान खेती करने वाला बीज जहाँ बोता ना जमीन को जोतता नर्म करता खेती बाड़ी के लायक बनाता उसके बाद बीज बोता तुख्म तो जो बोना है बोले खाएगा बोने के बाद बीज बोएगा तो खाने को मिलेगा फिर तो वो बीज जो बोना है आमाल के बीज बोना है नेक आमाल के बीज बोना है बुराइयों से बचकर क्योंकि नेक काम करना यह भी नेकी है गुनाह से बचना यह भी नेकी है गुनाह से बचना यह भी नेकी है बल्कि बाज गुनाहों से बचना ऐसी नेकी ऐसी नेकी होती है जिंदगी भर के नेक काम करने के जो नेकी है उस पर भारी पड़ जाती वो एक नेकी जो गुनाह से बचने की नेकी होती है गुनाह से बचने की नेकी, एक नेकी जिंदगी भर के आमाल नेकियां करने की ने, करने की नेकियों पर भारी पड़ जाती है बहुत सारे वाकत आपको मिलते हैं मौका नहीं है कि उन वाकियात की तरफ ले जाओ महज एक अमल होता है गुनाह छोड़ने का अमल अल्लाह के खौफ से कोई और खौफ नहीं कोई और चीज़ रुकावट नहीं महज अल्लाह का खौफ है कि सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह नहीं किया बस वो जो गुनाह नहीं करने की जो ने की है ना जिंदगी भर के के वो ने जो कर कर करने के ने पर भारी पड़कर उसको जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है ये वो तो भी नेकी है तुख्म जो बोना है बोले खाएगा बोने के बाद बीन जो बोना है आमाल के नेक अमल करने के फ़रज़ वाजिबात की पाबंदी करने के हसन अखलाक इख्तियार करने के वालदे की तात और फरमा बरदारी करने के जी करने के जो नैकियाँ हैं ये न करने के गुनाह कर जो गुनाह हैं न करने की जो ने की है गुनाहों से अपने आप को बचाना गीबत से बचाना चोगली से बचाना गाली गलोच से बचाना निगाहों की निगाहों को गुनाहों से महफूज रखना ज़ुबान को गुनाहों से महफूज रखना कान को गुनाहों से महफूज रखना अपने हाथों पाँव को गुनाहों से महफूज रखना बचाए रखना ये ने किया ये है ये जो तुख्म जो बोना है बोले खाएगा बोने के बाद बीज है ये बोने के जो बोएंगे तो फिर कल क़ियामत के दिन उसका समरा उसका फल आपको कल क़ियामत में मिलने वाला है अकबर। लेकिन ये हमारी अपनी कोशिशें ये बात समझने और फिर अल्लाह ताला से तौफीक की दुआ करना कि लपाक तौफीक तोफ़ी खैर फरमाए, वरना वरनामूमी तौर पर उम्मत, इसी उम्मत के ताल्लुक से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ने जी ये पेशन गोईयाँ फरमाई हैं अल्लाह पाक से दुआ करना कि अल्लाह पाक उस ज़ुमरे में हमें शामिल न ने फरमाया ना कि तुम में से तुम तुम से पहले जो लोग गुजरे हैं तुम से पहले जो लोग जो कौमें गुजरी हैं तुम उनकी इतबा तुम उनकी इतबा और पैरवी करोगे लता जरूर जरूर तुम उनकी पैरवी और इतबा करोगे उनके नक्शे कदम पर चलोगे जरूर जरूर तुम उनको फॉलो करोगे अल्लाह अकबर यानी फॉलो करना भी इस हद तक इस हद तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाते हुए फरमाया शिब्रन बी शिब्रन यहाँ तक के बालिश ब बा बालिश तुम उनको फॉलो करोगे हाथ जिरा जो कहते हैं ये जिरा होता है हाथ बहात तुम उनको फॉलो करोगे उनकी इतब और उनकी पैरवी करोगे और उनके नक्श कदम पर तुम चलोगे अल्लाह यहां तक के फरमाया कि अगर इतनी अंधभक्ति जो बोल रहा था मैं अंधभक्ति का आलम यह होगा वो किधर ले जा रहा है वो नहीं है वो कैसी आज क्या है उम्मत का मामला आज देखिए अरब कंट्रीज जी मुस्लिम ममालिक इस्लामी ममालिक नहीं मुसलमान रहते सो फरमा रवा वहाँ का हाकिम मुसलमान है इस्लामी ममालिक नहीं है बिल्कुल आज ये क्रिश्चियनिटी, यहूद नसारा की तहजीब में डूबे और उस तरफ ऐसे खूब मरे जा रहे हैं उस पर कोई तहजीब कोई कल्चर उनका वो छूट नहीं रहा है कोई क्रिश्चियनिटी का और यहूद और नसारा का कोई, कोई कल्चर यहाँ तक कि उनकी ईदों का अहतमाम वो सेलिब्रेशन जुल्म तो ये है अगर को आशी खान रसूल अपने आका करीम की मीलाद का अहतमाम करते हैं तो शिरक के फतवे देकर उनको उनको उन, उन उनको पर जमीन तंग की जाती है ये शिरक और बिदत कर रहे हो हर ये हराम ये नाजायद ये शिरक फुला और वो उधर ये पूरा सेलिब्रेशन कितने बुरकेवालियां और ये सब वो अरब की जो वहां के बाशिंदे जो है मुसलमान वो सब वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं भाई क्रिसमस क्रिसमस का एहतमाम अभी परसू कैसे जोर शोर से कैसे पूरे धूम धड़ाके से और पूरे एहतम के साथ में वो लोगों ने अहतमाम किया अरब सऊदी अरब में अब ये सब अब ये न्यू ईयर ये, ये तरफ़े तमाशे भी होंगे मज़ालिख यह है आका ने फरमाया कि तुम यानी उनकी इतबा व पैरवी जरूर जरूर करोगे इतनी अनभक्ति का आलम यह बालिश बालिश तक ने फरमा दिया हाथ बालिश बुम बालिश उनके पैरवी करोगे यहां तक कि किसी वो, वो का जो जानवर गड़ा बना लेता वो वो तो तुम ये नहीं देखेंगे अरे यहां तो नहीं जाना चाहिए नहीं तुम भी घुस जाओगे उसके पीछे अल्लाह यहां तक की पैरवी कालम अल्लाह की पनाहल्ला महफूज रखे उन, उन नहूसत वाले कामों से या आज अगर ये चीज़ अगर आज हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं करेंगे ये नौजवान अगर अपने आप को नहीं रोकेंगे कि भाई हम तो इतना ही कर रहे हैं ना हम तो इतना ही कर रहे हैं ना हम तो खाली यहीं खाली ये टैंक बैंड पे ही जा रहे हैं हम खाली पर खाली टैंक बैंड तक जाके आ जाएंगे खाली ये खाली खाली जो रहे तो तुम ये सोच रहे हो कल तुम्हारी पेट में तुम्हारी जो औलाद तुम्हारी नस्लें क्या करेंगी आगे बढ़कर जी वहाँ तक तो रुकने वाली नहीं है ना वो तो दोहात और आगे ही होने वाले हैं अल्लाह की पना अपने आप पर कंट्रोल करना लाजिम ज़रूरी है ये ये तंबी है अदी में नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया कि ये आलम ये होगा जबकि आका करीम सल्ला शरीयत इस्लामिया को तो यहूद नसारा का कल्चर तहजीब उनका जो तहजीब तमद्दुन वो वो तो दूर की बात है उनकी इबादतों में उनकी इबादतें जो अल्लाह के लिए की जाने वाली उन इबादतों में मुमासलत, उन मु, इबादतों में मुमासलत, उन इबादतों के जैसा अमल भी यह भी नागवार है शरीयत को अल्लाह उसके न, रसूल को नागवार और नापसंद है आप देखते नहीं है आप कितना अहतमाम करते हैं मुहर्रम का रोजा रखते हैं तो बोलते है, नहीं भाई दस मुहर्रम का नहीं रहना मालूम क्यों नहीं रहना नहीं या तो नौ दस रहना दस ग्यारह भी रह सकते ना पूछते कई लोग इतना जहन में बैठा हुआ है खाली दस का नहीं रहना भाई रोजा ही है ना भाई दस का हो भाई नहीं इतना जहन में क्यों ये भी वजह भी जहन में रखे क्योंकि सिर्फ दस मुहर्रम का रोजा अल्लाह की इबादत ही है अल्लाह के लिए ही रखते थे यहूदी लोग अल्लाह के लिए ही रखते थे यहूदी लोग वो इबादत में मुमासलत उनके जैसा ना हो जाए मना किया गया सिर्फ दस का ना रहे नौ का साथ में एक और एक्स्ट्रा मिला लें उनके जैसा ना हो इबादत में ना हो तो दीगर तहजीबों में जो इस ए से लेके जेड तक अलिफ से लेके सलाम तक जो बोलते हैं ना पूरा हराम का यहाँ है शराब नोशी नशे की चीजों का इस्तेमाल जी गाने बाजों का शोर शराबा निगाहों की आवारगी बदनिगाहियां बेहया ये सब सारी चीजें मुतलका एक एक लमा, एक एक काम छोटे से छोटा हराम है उसमें वो तो सिरे से वो खुद हराम है फिर उनके वक्त पर उनके सेलिब्रेशन के मौके पर तो और सख्त तरीन हराम उनसे मुशाबहत भी उसके अंदर हो जाती है वो कौम अगर वो कल्चर के तौर पर उसको सेलिब्रेट करती है तुम भी उसका हिस्सा अगर बनोगे तो उनकी मुशाबाहत की बिना पर हजूर की जो वईद है मन जो जिस कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा जो जिस कौम के जैसी तहजीब और कल्चर अख्तियार करेगा जो जिस कौम का ओढ़ना बिछोना पहनना सब उनके जैसे अख्तियार करेगा ये जो मुशाबहत जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा फह हुआ मिन बस वो उन्हीं में से है अब हमसे क्या सरोकार उसका अकबर कितनी सख्तरीन ये ऐसे मौकब और सख्त तरीन है और सख्तरीन गुनाह यूँ गुनाह ही म्यूजिक का एक एक पार्ट एक एक हिस्सा गुनाह है बदनिगाही, बेनिगाही जी आ, निगाहों की आवारगी गुनाह है हराम है नशावर चीजें मुतलकन हराम है चाहे उसको को कुछ भी नाम दे दिया जाए कुल्लो हराम हर नशे में लाने वाली चीज हराम है हराम है अल्लाह अकबर बड़ी तरीन वाइद है और इन पर जो जो अजाब है क़ियामत में आखिरत में और कब्र में वो सब अजाब की नौीयत अलाहदा बड़ी खतरनाक बड़ी खतरनाक अजाब उनम दर्दनाक अजाब जी मुहीन त आमेज अजाब अजाब की जो सिफतें बयान की गई कुरान में अजाब मुहिन एहानत आमेज तजलील वाला अजाब ज़िल्लत और रसवा कर देने वाला अजाब इस तरह ये जो उसकी सिफात बयान की वो अजाब अलग अलग वो अपनी जगह लेकिन ये मौका जबकि हम अहतमाम अल्लाह तला ने कैसी अगर आप मैंने जैसे बताना सोच और समझ से और अक्ल फहम और इदराक से काम ले मुसलमान नमाज रोजाना एक मुसलमान कुरान की तिलावत से हटकर नमाज पढ़ने वाला जो है अगर नमाज का अहमाम करने वाला है तो रोज़ाना कितनी मरतबा सूर फातिहा पढ़ता हो जितनी रकाते उतनी मरतबा सूर फातहादा फातह फ़ातहा कर कर एहतमाम करा तो और फ़ातह एक्स्ट्रा हो गए उसकी जी फातह शरीफ का अहतमाम करने वाला और फ़ातह उसकी एक्स्ट्रा हो गई और एक एक कुरान एक दो वत तीन वक़्त चार वकत पाँच जीते वातह दिया उतने ज़्यादा कुरान पढ़ने का शवाब तो मिल ही जाता उसको बहर कैफ सूर्य फातहा सूर्य फातहा में देखिए अब ये बचा अक़ुलफहम अपने इधराक अपनी समझबूझ का इस्तेमाल है। जी जो पढ़ रहा है वह समझने का जो मामला है तो इसके जरिए से सूर्य फातहा में अल्ला पाक ने दुआ को ऐसे शामिल फरमा दिया इसके अंदर दुआ को इसके अंदर शामिल फरमा दिया एह दिन मुस्तकीम वाली दुआ तो ये दुआ पढ़ने के साथ साथ आपके अंदर यहूदों नसारा यहूदियों और नसरानियों, ईसाइयों के ताल्लुक से आपके अंदर नफ़रत नफरत की कैफियत आपके अंदर पैदा होना क्योंकि ये नफ़रत है तो, तो आप वो भाई नहीं भाई चोर ने अल्लाह चोर होने से बचा बोले तो चोरी के अमल से नफरत है आपको जी अल्लाह मुझको मेरी औलाद को जी चोर चोरों की सोबत से बचा ले बोले तो आप ये चोरी के अमल से नफरत है तो ये चीज़ होती इस दिन मुस्तकीम की दुआ में आप बोलते अल्लाह सीधा रास्ता चला सीधा दुआ कर रहे अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला सरातल लदीना नाम तइम रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया तेरा इनाम जिन पर हुआ है किन का नबियों का साल का शहदा का सिद्दीक का रास्ता अलिया का रास्ता यह सीधा रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ उनका रास्ता चला सरातिया नाम तम यहाँ पर उसके बाद गैरिल बखबूब अलहिम उनका रास्ता न चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है मुफसरिन फरमाते यहूद है यहाँ पर मुराद अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है यहूदियों पर आप हर में बोलते हैं अल्लाह यहूदियों का रास्ता ना चला वलिन और वो जो गुमराह हो गए हैं ईसाई मुरादे वहां पर जी ईसाई नसरानी मुराद है वहां पर तो ईसाइयों का रास्ता ना चला ईसाइयों का रास्ता ना चला यहूदियों का रास्ता ना चला उनके रास्ता ना चला रास्ता अपने औलिया का अंबिया का सिद्दीकीन का शुहदा का रास्ता चलाना मौला उनके रास्ते से बचाना ना चला नहीं बचा ले उनके रास्ते से ये दुआ आप कर रहे हैं नमाज पढ़ने वाला बाहर निकलते ही उनके रास्ते की तरफ खुद भाग रहा यहूदियों का रास्ता भाई कौन सी तहजीब कहां पर क्या चल रहा जी कहां पर क्या चल रहा क्रिश्चियंस की तहजीब कहां पर क्या चल रहा भाई चलो मजा कितना कौल और फेल में तजाद भाई तो अल्लाह से ये मांग ये रहा है और खुद कर क्या रहा है भाई ये मांग ये रहा है अल्लाह से अगर दौलत मांगता है अल्लाह ताला कारोबार में बरकत दे बल्कि कोई उसके कारोबार के अपोज़िट काम करता क्या कारोबार में मेहनत भी करता भाई कारोबार में बरकत दे माल में बरकत दे तो माल के अर्निंग सोर्सेस तलाश करता भाई कमाई और आमदनी कहाँ कहाँ से होती कैसा कैसा वो कोशिशें और करता अल्लाह से दुआ कर तो ये मामले में तो ऐसा है लेकिन यहूदियों के रास्ते से बचा ईसाइयों के रास्ते से बचा गैर मकजूब आलहीन वह दुआ कर 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 उसके कदम उसी उन्हीं के रास्ते की तरफ़ भाग रहे ये कहाँ पर कौन सी कौन सा प्रोग्राम चल रहा कहाँ पर कहाँ कहाँ जबरदस्त न्यू ईयर का, का, का सेलिब्रेशन रहता नहीं भाई जाना नहीं है खाली घर में यह तो औरतों को भी इस चस्का लग गया नहीं भाई वो, वो, वो जबरदस्त बहुत ज़बरदस्त फटाखे फुटते करते और ये ज़बरदस्त वो वो राकेटाँ छोड़ते वो क्या ज़बरदस्त नज़ारा था टी वी पर देखे बारह बजते चुने ये कौन सी चीज़ क्या काम आने वाली है ये कौन सी चीज़ काम आने वाली है? ये चीज़ तो भाई नापसंदीदगी से थोड़ी देते हो बा कितना अच्छा दिख रहा नए जुबान से नहीं बोल मुसलमान नहीं बोलने का है तो ये दिल में क्या कैफियत चल रही लड्डू फूट रहे हैं सो है पसंदीदगी की कैफियत है या नापसंदीदगी की कैफियत ये ये जो असल मामला तो ये है दिल में क्या कैफियत है तो अगर आप चल के गए भी नहीं जी घर में बैठ के ये सब का तुरफे तमाशे देख रहे हैं और यूं तबीयत का क्या मामला है आपके यहीं से आपका इम्तहान आप, आप दुनिया में हदीफ पाक का मफह मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ बैठे दुनिया में मशरिक में मगरब में या किसी दूर दराज में कहीं अगर गुना हो रहा हो कहीं अगर गुना हो रहा हो आप उससे कोसों दूर मीलों दूर हजारों लाखों मील दूर बहुत दूर की कंट्री में आप बैठे हुए आपसे कई दूर दराज की कंट्री में गुना हो रहा हो और आप उस गुनाह से राजी है आप उस गुनाह से राजी है खुश है और राजी है गुनाह से बहुत बहुत अच्छा काम बेहतरीन काम और तो आप यहां रह कर भी गुनाह में मुलविस हैं आप यहां रह कर भी इतनी दूर रह कर भी उस गुनाह की नहुसतें आपको लिपटी हुई है हैं और गुनाह में आप मुलविस हैं गुनाह के गुनाह में शरीक हैं आप करने वालों के साथ इसी तरह से कोई नेक काम किसी दूर दराज दुनिया के किसी मकाम पे हो रहा हो किसी दूर दराज की कंट्री में कोई बेहतरीन नेक कारनामे अंजाम दिए जा रहे हों जिहाद फ़ी सबीर के अला तरीन जी मारे के हो रहे हों अल्लाह की राह में जिहाद करने के मुजाहिदीन अपने अली तरीन शिजात भरे अपने जिंदगी के अपने दिन और रात गुजार रहे हैं कहीं कुछ नेकियां चल रही हैं, कहीं कुछ नेकियां कहीं मुबारक और नूरानी महफिलें चल रही कहीं नेक काम दुनिया में दूर दराज हो रहा हो आप कहीं और बैठे हों कहीं और दूर दराज आप बैठे हों आप उस नेक काम दूर दराज होने वाले उस नेक काम से आप खुश हैं आप राजी हैं उससे तो आप तो दूर दराज रहने के बावजूद भी उस नेक काम में आप शरीक हैं उसने काम करने वालों में आपका नाम लिखा जाएगा यह मामला दूर है भी गुनाहों से तो नफरत भी होना गुनाहों से अल्लाह को नाराज करने के काम किए जा रहे हैं मुसलमान अपनी जिंदगी वल तमजुर नफ्सम्मा कदमत के साथ गुजारे कि हर नफ्स देख ले कि उसने आने वाले कल के लिए क्या भेजा है वो कल को हम पेशे नजर कर कल की तैयारी क्या हमारे लिए फ़ायदा मंद है क्या हमारे लिए नुकसान दे, क्या करने से हमें फ़ायदा हमारे नस्लों को फ़ायदा होने वाला है और क्या करने से नुकसान पहुंचने वाला है उन चीज़ों को इख्तियार करें जिन चीज़ों से हमें हमारी नफ्स हमारी ज़ात का फ़ायदा कल को होने वाला है उखरवी फ़ायदा दुनियावी फ़ायदे के लिए भी आप क्योंकि इस्लाम ये तालीम ख़ुद हमें दिया है रबना आतीना फिर दुनिया हसना वफिल आख़िरत हसना वफिल आख़िरत हसना ये तालीम है हमारे लिए अः ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा ये दुनिया का कल जी उसके लिए भी है दुआ भी है अल्ला हमें अय परवरदिगार अय हमारे रब तो हमें अता फ़रमा दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा वफिल आख़िरत हसना और आख़िरत में भी भलाई अता फ़रमा तो आख़िरत की भलाई दुनिया की भलाई दुनिया की भलाई सोचने से मना है नहीं है ऐसा भलाई सोचना भी है और भलाई के लिए करना भी है आखिरत की भलाई के लिए सोचना भी है और आखिरत की भलाई के लिए करना भी है नहीं सिर्फ आप उम्मीद में रहेंगे खाली भाई उम्मीद से अमल भी तो करना है ना अब जन्नत का मामला जन्नत के ताल्लुक से इसीलिए अल्लाह त्या फरमान है बीमा यक यानी जो कुछ वो कमाई करते थे जो कुछ करते थे उसके इवज में उसके बदले में उनको ये नेमतें दी गई आपको जहाँ भी जन्नत की नेमतों के तस्करे मिलेंगे तो यही आया कि उनके 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 कसब के नतीजे में उनकी मेहनतों के सिले में अल्लाह ताला ने ये उनको नियमत अता फरमाया है ये खाली उनकी तमन्नाओं के बदले में ये उनकी उम्मीदों के बदले में ये सिर्फ खाली लंबी चौड़ी खाली आखिरत में जन्नत दे दे जन्नत दे दे की दुआओं के नतीजे में नहीं आया है। बिमा कानू एक जो कुछ वह कसब करते थे मेहनत करते थे कमाई करते थे वो नेक काम किया अल्लाह को राज़ी करने के काम करते थे उसके में उनको ये कुछ नेमतें मिली है ये कुरान पाक में बार बार ये पैगाम दिया गया ये जहन और ये फिक्र दी गई है अल्लाह ताला हमें तोफिक खैर अता फ़रमाए अक्ल सलीम अता फरमाए फिक्र सलीम अता फ़रमाए अल्लाह तबारक व ताली हमें दुनियावी दुन्या, दुनियावी अतबार से भी हमें कल की तैयारी करने की तोफ़ी कता फरमाएँ हमारी अपनी जिंदगियों की दुनियावी रही सही जिंदगियों की हमारे अपने आने वाली नस्लों की दुनियावी जिंदगियों की खैर खूबी भलाई और खैर अपनी ऱा अपनी रहमत और अपनी खुशनुदी के मामलत अल्लाह तबारक वाली हमारे मुक़दर फरमाएँ और आख़िरत की अबदी ज़िंदगी आने वाली कल जो हकीकी कल है अल्लाह ताला उसके लिए भी हमारे हक़ में हक़ के फ़ैसले और ख़ैर के फ़ैसले फ़रमाए, रहमत के फ़ैसले फ़रमाए फजल के फ़ैसले फ़रमाए आमीन बिजाही सैदसलीन वाली आसाबी इजमाइन वह रबालमीन व वरम्